यूरोपीय असफलता के कारणों में प्रतिक्रियावादी सदस्य कौन कौन से थे? जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय असफलता के कारणों में प्रतिक्रियावादी सदस्य कौन कौन से थे? तो उत्तर है कांग्रेस के सदस्य राष्ट्रों में इंग्लैंड को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्र प्रतिक्रियावादी नीति के समर्थक थे। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना महाद्वीप पर शांति और व्यवस्था के प्रसार के उद्देश्य की गई थी, परंतु इसके प्रतिक्रियावादी सदस्य क्रांतिकारी विचारों और क्रांति के सिद्धांतों तथा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व भावना तथा राष्ट्रीयता का दमन करना तथा स्वच्छाचारी निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहते थे। अतः उनके निर्णय जनता की उदार भावनाओं के विरुद्ध होते थे। इंग्लैंड इस नीति का विरोधी था, परंतु अकेला होने के कारण असफल हो जाता था। पारस्परिक विश्वास की कमी, पारस्परिक विश्वास की कमी। कांग्रेस के सदस्य कभी भी एक मत होकर कार्य नहीं कर सके। प्रारंभ में इस व्यवस्था की स्थापना का आधार आपसी सहयोग और विश्वास था, परंतु फिर भी आपसी विश्वास की अत्यधिक कमी थी। वह एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। वह सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेने के स्थान पर एक दूसरे का विरोध करने लगे थे। अथा यह व्यवस्था भंग हो गई। संयुक्त व्यवस्था की उपयोगिता। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है हमारा संयुक्त व्यवस्था की उपयोगिता। तो उत्तर है यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा प्रारंभ की गई यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की उपयोगिता कम नहीं आकी जा सकती। जिस समय इस व्यवस्था की स्थापना की गई, यूरोप महाद्वीप पर सर्वत्र युद्ध के विनाश के कारण अराजकता, अशांति और अव्यवस्था का दौर था। इसी अशांत व्यवस्था का अंत करने के लिए संयुक्त व्यवस्था का जन्म हुआ था, परंतु सन 1825 में रूस के जार की मृत्यु के साथ ही इस व्यवस्था का भी अंत हो गया। यह व्यवस्था 1848 तक कायम रही और इस काल में यूरोप में व्यापार, कला, कौशल, औद्योग और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में काफ़ी समृद्धि हुई। इसी संयुक्त व्यवस्था के आधार पर आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। मेटरनिख युग पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। मेटरनिख युग पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो उत्तर है नेपोलियन के पतन के समय यूरोपीय रंगमंच पर मेटरनिक का पदार्पण एक महत्वपूर्ण स्थान रखा था। वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था जब तक वह ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री रहा। यूरोप की राजनीति उसी के इशारे पर नाचती रही। इसी वजह से इतिहासकार उस समय को मेटरनिख युग के नाम से पुकारते हैं। वह अपने समय के प्रतिक्रियावादी का मुख्य नेता था। 1815 से 1848 तक यूरोप उसके प्रभाव में रहा और उसने अपनी इच्छा से यूरोप के इतिहास का निर्माण किया।